वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई प्रोफेसर जैस्मिन फरास अगेन वेलकम यू ऑन माय चैनल। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर सेकंड, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं वो लेक्चर देखेंगे। ऑलरेडी मैंने लेक्चर वन जो है अपलोड किया है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन किया है इस चैप्टर का। उसमें मैंने प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है, किस बेसिस पे सॉल्व किया जाता है, उसकी प्रोसीजर क्या होती है, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स। तो पहला हम ले रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वन, जो कि हम निराली पब्लिकेशन से ले रहे हैं और उसका पेज नंबर है 2.17। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये हमारे सामने क्वेश्चंस है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना चाहिए एक्चुअली हमें करना क्या है। तो हमें उन्होंने यहाँ पे कहा है कि प्रिपेयर कॉलम स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्रायर टू एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है जो प्रायर एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट या लॉस हमें बताएगा। तो स्टेटमेंट कैसे बनाना है, क्या कैलकुलेशन करना है, कौन से बेसिस पे करना है, वो हम सब देखेंगे यहाँ पे। सो रीड द क्वेश्चन। अभिषेक लिमिटेड अंधेरी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 30th April 2019 टू एक्वायर अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम 1st January 2019। तो इसमें अब हमें मेन क्या देखना है कि यहाँ पर कौन सी डेट है, क्योंकि डेट बहुत मस्ट है यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए। तो अकाउंटिंग ईयर हमारा क्या है, सो अकाउंटिंग ईयर हमारा यहाँ पे दिया है 31st December 2019। देखो यहाँ पे 31st December 2019, इसका मतलब हमारा अकाउंटिंग ईयर है जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखो इस तरीके से टाइम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमको ये जो एक्सपेंसेस है वो प्री और पोस्ट में बाइफरकेट करना है, तभी जाके हमें प्री प्रॉफिट एंड पोस्ट प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये हमारी सपोज लाइन है, ये कैसी लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे आपके अकाउंटिंग ईयर ऐड करो, मतलब जनवरी 2019 से 31 दिसंबर। ये कहाँ से मिला, तो यहाँ से उन्होंने दिया है। अगर एंड 31 दिसंबर है तो आपको स्टार्ट जनवरी से होगा, 12 मंथ्स को हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, ठीक है। सो अब ये है इनका अकाउंटिंग ईयर, बट उनकी कंपनी ये जो अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है वो 30th April को किया है। सो देखो यहाँ पे 30th April, तो यहाँ पे ऐसे बीच में लिख लो 30th April, यहाँ पे देखो ये बराबर। सो कंपनी तो उन्होंने परचेज की है जनवरी में, लेकिन उसका जो सर्टिफिकेट होता है इनकॉर्पोरेशन का, उसकी जो प्रोसीजर होती है उसे फॉलो करते करते उन्हें 30th April तक रुकना पड़ा। लेकिन बिजनेस तो उन्होंने खरीदा जनवरी में, तो इसके बीच का मतलब जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च एंड पूरा अप्रैल, मतलब 4 मंथ्स उन्होंने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया बट ऑफिशियली नहीं, बिकॉज इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनका इन ऑफिशियली उनका शुरू होगा, लेकिन फिलहाल तो ये 4 मंथ्स उन्होंने काम किए हैं। तो इसे कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन, ओके। ये ऑलरेडी इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने बताया है। अब इसके बाद का, अब अप्रैल मंथ तक तो हो गया प्री, अब अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो बचे हुए 8 मंथ इसे हम कहेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ओके। सी, सो 4th मंथ जो है वो प्री इनकॉर्पोरेशन हो गए, एंड जो उसके रिमेनिंग है वो हमारे हो गए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया है। सो हमारा रेशियो होगा 4:8, इसका ही मतलब, इसको और हम छोटा करेंगे तो 1:2, तो हमारा टाइम रेशियो क्या होगा, 1:2, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया है। नाउ लेट मी क्लियर, ये मुझे क्लियर करने दो सब, ओके। तो इसका रेशियो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, वन इज टू टू, कैसे 1:2, हम मैंने एक्सप्लेन किया है। अब टाइम रेशियो हो गया, अब सेकंड काम है हमारा सेल्स रेशियो फाइंड आउट करना, क्योंकि ये दो मेन, हमें ये दोनों में ही ये एक्सपेंसेस क्या करने, बाइफरकेट करनी है। सो अब सेल्स रेशियो कैसे निकालेंगे, तो ये भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है, ध्यान से पढ़ना है हमें, ठीक है। तो देखो सेल्स का दिया है यहाँ पे 3 लाख, अब यहाँ पे उन्होंने दिया है फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो, अ ईयरली टर्नओवर अराउंड ₹3 लाख, ठीक है। ईयरली उनका जो है वो है 1 लाख, सॉरी 3 लाख, आउट ऑफ
विच सेल्स अप टू फर्स्ट मे, फर्स्ट मे मतलब 30 अप्रैल ही ना, 30 अप्रैल इमीडिएटली नेक्स्ट डे फर्स्ट मे आता है, तो कंफ्यूज करते हैं हम लोग. इसका ही मतलब 30 अप्रैल, इसका मतलब प्री. प्री कितना है उनका? 10,000. एक्चुअली ये 1 लाख होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक ही. ओके, सो 1 लाख. तो जो प्री है सेल्स वो है उनका 1 लाख, और जो पोस्ट है वो है उनका 2 लाख. देखो टोटल सेल्स 3 लाख है, जो कि उन्होंने यहाँ पे भी दिया है और यहाँ पर भी दिया है कि कहीं से भी आप ले सकते हो. उसमें से बाइफरकेट किया है, जो 1 लाख है वो प्री इनकॉर्पोरेशन से पहले का सेल है, और जो 2 लाख है वो पोस्ट. तो हमारा रेशियो फिर 1:2 आएगा. सो इस तरीके से हमें टाइम रेशियो भी मिल चुका है एंड सेल्स रेशियो भी मिल चुका है, क्योंकि बेसिकली हम ये जो एक्सपेंसेस है या इनकम है वो किस पे, किस बेसिस पे हम बाइफरकेट करने वाले, प्री एंड पोस्ट. तो टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो, और एक कंबाइंड रेशियो भी होता है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट होता है. जैसे जैसे एडजस्टमेंट आएगी मैं आपको बताऊंगी. अभी एक साथ सब मैं बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन की जो लेक्चर है उसमें ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो प्लीज आप पहले वो थियोरेटिकल पार्ट है वो पहले अच्छे से समझ लो. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं. इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है. हमारा फॉर्मेट कैसे होगा, देखो पर्टिकुलर, फिर कौन से बेसिस पे हम अलोकेशन करेंगे, फिर रेशियो जो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है 1:2, एंड सेल्स रेशियो भी हमारा वही आया है 1:2. फिर यहाँ पे टोटल खर्चा, फिर हमें ये दो कॉलम डिवाइड करने हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. ओके, ये है हमारी डेबिट साइड और ये है हमारी क्रेडिट साइड. सेम हियर, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. हमने ऑलरेडी 11th 12th में सीखा है कि हम कैसे प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं. याद करो फाइनल अकाउंट, उसमें हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट. याद करो आप, फिर से एक बार प्रैक्टिस करो चाहिए तो. ठीक है, सो यहाँ क्रेडिट में हम इनकम लिखेंगे, तो ये क्रेडिट इनकम में से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो फाइनली वी विल गेट प्रॉफिट. लेकिन वो जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट क्या होगा, प्री इनकॉर्पोरेशन, मतलब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने से पहला वाला प्रॉफिट. ओके, जिस प्रॉफिट पे डिविडेंड वगैरह हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, गॉट इट, वो हम कहते हैं कैपिटल रेवेन्यू. और ये वाला जो मिलेगा वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, मतलब क्या कि इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद. तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा हमें उसको कहेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट, जो जिसमें से हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डायरेक्टर को सैलरी, सो एवरीथिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब पहले आपके सामने क्वेश्चन देखो, हम पहले स्टार्ट करेंगे हमेशा जीपी से. वाय जीपी ना, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट तो दिया है उन्होंने, लेकिन हम यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वाला. तो हम यहाँ पे ये इग्नोर करेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चन जीपी से स्टार्ट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट से. गॉट इट, तो कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पार्ट आपको देगा, ये नीचे वाला, कभी कभी ये दोनों भी देगी, ये ट्रेडिंग अकाउंट भी देगी, प्रॉफिट एंड लॉस भी देगी, बट यू डोंट गेट कंफ्यूज. हमें फोकस किस पे करना है फाइनली, हमें फोकस करना है सिर्फ ये वाले पार्ट पे, प्रॉफिट एंड लॉस वाले. तो जस्ट कीप इट, ये इसको कट करो. ओके, सो अब हमारे पास जीपी 90,000 है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट फिर हमें अब डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के पहले इसमें से हमने कितना जीपी कमाया और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के बाद कैसे. तो देखो कैसे लिखना है, ध्यान से देखना है, ये पहला प्रॉब्लम है इसलिए डिटेल में आपको समझा रही हूँ. सो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है, कौन से बेसिस पे करना है, तो ऑफकोर्स प्रॉफिट हमेशा सेल्स बेसिस पे ही होता है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, जितना सेल ज्यादा होगा उतना जीपी हमारा होगा, जितना सेल्स कम होगा उतना जीपी होगा. तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें शायद डिपेंड होता है किस पे होता है, सेल्स पे होता है. तो इसको हम सेल्स बेसिस पे करेंगे. तो बताओ मुझे सेल्स बेसिस, अभी हमने फाइंड आउट किया लास्ट स्लाइड में 1:2 है, तो लिख दो यहाँ पे 1:2. कितना टोटल जीपी है यहाँ पे देखो 90,000, तो टोटल जीपी 90,000 है, ग्रीन में लिखा है इनकम है इसलिए. ठीक है, अब ये 90,000 टोटल है, लेकिन हमारा मेन काम क्या है, प्री एंड पोस्ट फाइंड आउट करना है. तो देखो अब ये एक जीपी मतलब इनकम है, तो ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है. तो आपको पता है क्रेडिट साइड में हम इनकम लिखते प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये 90,000. तो अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे 90,000, देखो कैसे करना है, ये ऑलरेडी हमने 11th 12th में सीखा है. 90,000 अपॉन 1, देखो ये प्री का है ये पोस्ट का है, तो हमें अब पहले प्री का फाइंड आउट करना है, तो 1, और ये दोनों की टोटल कितनी आती है 3,
तो हमें कितना मिलेगा जीपी देखो, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन देखो, 30,000 और बचा हुआ है 60। तो देखो ये दोनों के टोटल 30 एंड 60, ये दोनों के टोटल 90 आती है। तो इसका मतलब जो 30,000 है वो प्री इनकॉर्पोरेशन का है, जो 60,000 है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है। ओके नाउ अब हम दूसरा देखते हैं। चलो अब जीपी हो गया, अब पहले इनकम साइड बैड डेट्स। अब ये बैड डेट्स के बारे में कुछ तो एडजस्टमेंट दिए है उन्होंने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, अभी मिस आपको कैसे पता चला है रिकवरी, तो आपको क्रेडिट साइड में दिया है, क्रेडिट मतलब इनकम। तो ये पुराना कभी बैड डेट्स था, लकीली वो रिकवर हो गया 2000। सो कौन से बेसिस पे, ऑफकोर्स बैड डेट्स भी सेल्स पे ही डिपेंड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एडजस्टमेंट दी है, तो अगर एडजस्टमेंट में कुछ कहा है तो हमारा बेसिस एलोकेशन होता है एक्चुअल में, गॉट इट। सो यहाँ पे आपको लिखना है एक्चुअल, क्यों एक्चुअल, क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया है कि एक्चुअली क्या हुआ है। तो देखो एक्चुअल में क्या हुआ है, बैड डेट्स 3000 रिलीज, सॉरी रिलेटेड टू सेल्स अफेक्टेड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, एंड रिकवरी ऑफ बैड डेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट ऑफ ड्यूरिंग 2017। तो अभी फिलहाल हम रिकवरी वाला देख रहे हैं, तो सिर्फ ये वाले एडजस्टमेंट देखो, लास्ट वाली आपके पास होप्स हो कि टेक्स्ट बुक होगा, गॉट इट, क्योंकि छोटा सा ये शायद आपको पढ़ने नहीं आएगा, तो टेक्स्ट बुक हाथ में लेकर बैठो। ओके सो रिकवरी ऑफ बैड डेट्स वॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग 2017। तो ये तो पहले प्री इनकॉर्पोरेशन का है, देखो हमारा तो 2019 चालू है, 2017 तो पहले आता है, इसका मतलब ये रिकवरी पूरी के पूरे उन्होंने क्लियर कट बोला है एक्चुअल में प्री इनकॉर्पोरेशन में हुई है। तो इसको हम डायरेक्टली सिर्फ प्री इनकॉर्पोरेशन में देंगे, पोस्ट में इसका कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। ओके तो समझ में आई, 2000 हमने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि इन्होंने एक्चुअल क्या हुआ वो बताई, हकीकत बताई, इसलिए हमने यहाँ पे बेसिस ऑफ एलोकेशन भी क्या लिखा, एक्चुअल में। ओके चलो नाउ नेक्स्ट विल सी द, नाउ दिस इज ओवर, क्रेडिट साइड डन। ये क्रेडिट साइड होती है ना, देखो यहाँ पे भी दिया है क्रेडिट साइड, तो हमने क्रेडिट साइड में लिखा। अब हम सब डेबिट साइड यू नो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो चलो अब डेबिट साइड देखते हैं, पहला दिया है सैलरी, सो यहाँ पे अगेन राइट डाउन सैलरी। अब सैलरी पे देखो, देखो सैलरी हम हमेशा टाइम के बेसिस पे होती है, तो हमने अभी निकाला है, टाइम भी हमारा रेशियो 1:2 है। कितनी टोटल सैलरी है, 12,000 है, ये रेड में बताया क्योंकि एक्सपेंसेस है, ये इनकम है, टोटल इनकम 92 हुआ है अभी तक। ओके अब ये एक्सपेंसेस है, फिर से हमें उसको डिवाइड करना है प्री में और पोस्ट में। सो फिर से इसका रेशो 1:2 है, फिर से एक बार बताती हूँ कैसे निकालना है। देखो 12,000 टोटल है इनटू, पहले हम प्री निकालेंगे, तो प्री का क्या है 1, तो 1 अपॉन ये दोनों की टोटल क्या है 3, तो 3, तो ये देखो 3 4 12,000, सो 4,000, तो प्री में इसका खर्चा कितना हुआ 4,000, तो ऑफकोर्स बचा हुआ 12,000 में से 4,000 प्री है, तो बचा हुआ 8,000 क्या है पोस्ट है। हमने इस कॉलम में क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज डेबिट दिस इज क्रेडिट, डेबिट मतलब एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो अब एक्सपेंसेस हम सब यहाँ पे लिखेंगे, गॉट इट, और जानबूझ के मैंने रेड कलर में बताया था कि आपको समझ में आए, एक्सपेंसेस रेड कलर में और इनकम ग्रीन कलर में। ओके चलो तो नाउ नेक्स्ट अब देखेंगे बैड डेट्स, तो अगेन फिर से बैड डेट्स लिखूं। अब बैड डेट्स अभी मैंने बताया आपको सेल्स बेसिस पे होता है, लेकिन यहाँ पे फिर से एडजस्टमेंट दिया, एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ो, ये वाली एडजस्टमेंट देखो, बैड डेट 300 रिलेटेड टू सेल्स इफेक्टेड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। जो 300 है बैड डेट्स 1500 में का, वो क्या है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, खुद नहीं उन्होंने बोला कि 300 रुपए जो है वो पोस्ट है, आफ्टर मतलब पोस्ट, तो बचा हुआ जो 1200 है वो क्या रहेगा प्री रहेगा। सो ये भी एक्चुअल एडजस्टमेंट दिया है, तो एक्चुअल बेसिस लिखो। टोटल था हमारा कितना था, हमारा टोटल देखो बैड डेट्स 1500, उसमें से उन्होंने ही बोला है कि 300 तो आफ्टर है मतलब पोस्ट है, तो 300 अगर पोस्ट में है तो बचे हुए 1200 हमारे प्री है। देखो बहुत आसानी से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बाइफरकेट करना है कि भैया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले कितना इनकम हुआ है, खर्चा हुआ है, और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद कितना इनकम और एक्सपेंडिचर हुआ है, बस दैट्स इट। ये बहुत आसान सिंपल चैप्टर है आपके लिए। चलो नाउ नेक्स्ट, अब ये हो गया सैलरी हो गई, बैड डेट्स हो गया, नाउ विल मूव टू द डिबेंचर इंटरेस्ट। अब ध्यान से सुनना है डिबेंचर इंटरेस्ट का क्या है।
देखो यहाँ पे लिखो, जैसे दिया है वैसे ही लिखना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। नाउ ये हमेशा पोस्ट होता है, या पोस्ट मतलब क्या, तो देखो सेल्स बेसिस पे भी नहीं होगा, या एक्चुअल भी नहीं, टाइम पे भी नहीं। डिबेंचर मैंने कहा आपको, इंट्रोडक्शन में भी मैंने कहा है कि ये जो प्रॉफिट वगैरह मिलेगा ना हमें, वो सब प्रॉफिट हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन से प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो हमको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में मिलेगा, इसमें प्री में जो मिलेगा ना उस पर किसी का हक नहीं है, वो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते बाहर। तो ये जो भी होगा डिबेंचर, देन प्रेफरेंस शेयर, मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी, ये जो भी होगा ना, ये आफ्टर इनकॉर्पोरेशन होता है। तो डिबेंचर हमेशा याद रखना, हमेशा पोस्ट ही रहेगा। गॉट इट? सो कितना डिबेंचर है, तो ये पूरा के पूरा डिबेंचर हम पोस्ट में ही ऐड करेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट है डायरेक्टर फी। ऑफ कोर्स अभी भी मैंने कहा है मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, ये भी पोस्ट में है। अरे कंपनी इनकॉर्पोरेशन तो होने दो, अगर हुआ ही नहीं उसके पहले डायरेक्टर कहाँ से आ गए? तो नहीं, ये सब जो पोस्ट वगैरह कब क्रिएट होती है, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो डायरेक्टर की फी भी कहाँ पे जाएगी? पोस्ट में जाएगी। ओके, इसका प्री में कोई काम नहीं है। नेक्स्ट ऑडिट फी। भाई ऑडिट फी भी कब होगी? जब प्रॉपर हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉपर कॉर्पोरेट होगा, प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा ऑफिशियली, तो ऑडिट फी भी पोस्ट में होगी, क्योंकि ये भी सब कुछ हम क्या करेंगे, आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट, ऑफिशियली जब हमको परमिशन मिलेगी तब ये खर्चा होगा। गॉट इट? सो ये कुछ कुछ एक्सपेंसेस है, आपको याद ही रखने हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्टली पोस्ट में, यहाँ पे कोई हमें करना ही नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट दिया है, देखो हो गया। अब डिस्काउंट अलाउड, ऑफकोर्स अब डिस्काउंट हम सेल्स पे देते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा सेल्स बेसिस पे होता है। ऑलरेडी 1:2 सेल्स निकाला है, कितना डिस्काउंट है, 1800 कर दो डिस्ट्रीब्यूट 1:2। नेक्स्ट वन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ऑफकोर्स टाइम पे डिपेंड होता है डेप्रिसिएशन, कितने साल कितने महीने यूज की, तो टाइम टाइम भी 1:2 है। टोटल डेप्रिसिएशन 12,000 दिया है, तो 12,000 करो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट। ओके देखो, आई होप आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कैसे हमें करना है। सो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी भी आधी और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बाकी है। चलो नेक्स्ट पेज पे, इतना हो गया है। अब यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, तो हमने डेप्रिसिएशन तो कर दिया। ओके अब नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट टू वेंडर। अब इंटरेस्ट टू वेंडर, अब इसको कैसे करना है, तो देखो अब यहाँ पे लिख दो इंटरेस्ट। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक्चुअल में कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाली एडजस्टमेंट दी है वेंडर। द परचेज कंसिडरेशन वॉज सेटल्ड ऑन जून, मतलब ये सब होते होते प्रोसीजर होते होते परचेस किया है हमने, तो हमें पैसे भी देने हैं वेंडर्स को, उसका इंटरेस्ट भी देना है, तो इसको टाइम लगा 30 जून को। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर तो कब स्टार्ट हो रहा है, जनवरी से, है ना। जनवरी कितने मंथ्स लगे ये सब होने तक, फेब्रुअरी मार्च अप्रैल मई एंड 30 जून, पूरा जून महीना भी, तो काउंट करो कितने मंथ्स, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो इंटरेस्ट है ये पूरा 6 मंथ्स का है। ओके सो 6 मंथ्स का कैसे आएगा यहाँ पे, कैसे कैलकुलेट करना है, देखो यहाँ पर अब है 1500। देखो यहाँ पे मैंने नीचे करके बताया है, नीचे आ जाओ, ये वर्किंग नोट है, देखो ये आप आपके टेक्स्ट बुक में रफ बुक में पीछे लिख सकते हो। सो टोटल ये जो 1500 है कहाँ से आया, 1500 यहाँ पे दिया है, लेकिन 6 मंथ्स के लिए है, क्योंकि ये काम होते होते, देखो यहाँ पे दिया है परचेस कंसिडरेशन, मतलब जो परचेस की जो प्रोसीजर थी वो सेटल होते होते जून हो गया, लेकिन हमने कब से हैंड ओवर ये किया था, कंपनी ली थी जनवरी से, तो 6 मंथ्स तक उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा वेंडर को। सो 6 मंथ्स, तो ये जो 1500 है वो 6 मंथ, तो पर मंथ क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम पर मंथ, तो डिवाइडेड बाय 6 करो, ये 6 महीने का है, तो पर मंथ 250 अंदाजे, ठीक है। अब ध्यान देना है हमारा इनकॉर्पोरेशन कितने मंथ्स में हो गया है, जनवरी फेब्रुआरी मार्च एंड अप्रैल। ओके ये इतना ये प्री इनकॉर्पोरेशन दिया है उन्होंने हमको यहाँ पे, तो इसका मतलब ये 4 मंथ है, तो 250 × 4 1000, तो प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड में हमने कितना इंटरेस्ट दिया, 1000। टोटल कितना दिया है, 1500, उसमें से 1000 प्री इनकॉर्पोरेशन, तो बचा कितना, 500, वो रिमेनिंग क्या होगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, ठीक है। ये एवरी क्वेश्चन में ये पूछा ही है,
तो ये बार बार एक बार आप देख लो कि, फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन देती हूँ, 1500 ये टोटल है, लेकिन ये 6 मंथ्स के लिए पे किया है, तो एक महीने का हमें कितना मिलेगा अंदाजे 250, ये डिवाइड करो 1500 अपॉन 6, 250, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, हमने स्टार्टिंग में ही किया है कि टाइम रेशियो के वक्त, तो ये 250 × 4 मंथ्स तो 1000, तो ये हो गया हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन का एक्सपेंसेस, तो बचा 500, टोटल 1500। ओके चलो, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, कहा गया, यस, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस तो भैया क्या है, ये नॉर्मल है, हमारा टाइम एक्सपेंसेस पे ही रहता है, ये सेल्स पे थोड़ी डिपेंड रहता है, ये वेरिएबल नहीं है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, सो 1:2 फटाफट इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। देन सेम अबाउट पब्लिसिटी, पब्लिसिटी हमेशा मतलब ये एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी ये सेल्स पे होते हैं, तो सेल्स का भी 1:2 है, ये भी डिवाइड कर दो। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये टाइम पे है, दिस इज अ फिक्स्ड इनकम, वेरिएबल नहीं है, इस पे सेल्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो सेल्स का फर्क पड़ता है, जिस पे सेल्स का इफेक्ट होता है, वो वाले हम किस पे करेंगे, सेल्स रेशियो पे। प्रिंटिंग स्टेशनरी इट्स अ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, सो टाइम पे कर दो। देन कमीशन टू सेल्समैन, अब सेल्समैन है तो भैया सेल्स पे डिपेंड होगा, सो सेल्स पे किया। ओके सो इस तरीके से देखो हमारा हो गया, ठीक है। देखो डेबिट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, कौन सी, प्री इनकॉर्पोरेशन की, ये भी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, कौन सी, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की, तो मेन फोकस हमारा ये पार्ट है, गॉट इट, और हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अब हमें क्लोज करना है, तो आपने किया है 11th 12th में, क्रेडिट की टोटल पहले हम पोस्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके तो पोस्ट का हम क्रेडिट को टोटल कितनी, 60,000, तो आई थिंक क्रेडिट ही हेवी है, तो जो हेवी है हम दोनों साइड लिखेंगे, इस साइड भी 60 लिखो। अब क्रेडिट माइनस डेबिट, अब खर्चे कितने हो गए, देखो ये सब की टोटल करो, ये सब की टोटल आप करोगे तो ये टोटल आपको आती है 42,800। देखो 42,800 कैलसी पे करो, अब कैलसी अलाउड है आपको, तो 42 मतलब एक्सपेंसेस है ये, अब इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑफ कोर्स प्रॉफिट मिलेगा, सो प्रॉफिट आएगा 17,200। ओके इसे, अब ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है, मतलब सर्टिफिकेट मिलने के बाद का, तो इसको हम कहेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट, गॉट इट। नाउ सेम अबाउट प्री, अब इसकी टोटल करो 32, सो लिखो 32, दोनों साइड हेवी, नाउ 32,000, इसमें से ये माइनस सब एक्सपेंसेस करो, देखो अगर इसकी सब की अगर आप टोटल करते हो ना कैलकुलेटर पे, तो इसकी टोटल आएगी 19,200, ठीक है, तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस, सो माइनस करो, सो इट्स गेट 12,800, इसे हम कहेंगे कैपिटल प्रॉफिट, ये अलाउड नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट के पहले का प्रॉफिट है। देन अब ये फाइनली टोटल भी, इसका भी एक बार करो आंसर सेम, देखो ये टोटल है सबका, ये प्री पोस्ट मिक्स्ड है, तो 92 ये हमारा इनकम था 92, और ये अब ये सब एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस की टोटल अंदाजे आती है 62,000, तो माइनस जो आएगा वो 30,000, सो देखो, तो ये अगर आप देखते हो ना इसकी टोटल एंड इसकी टोटल, ये प्री एंड पोस्ट मिला के है ना, देखो 30 आनी चाहिए। ओके सो हो गया हमारा, इट्स वेरी सिंपल, फिर एक बार प्रैक्टिस करो, समझ कर लो, पहला वाला जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है वो अच्छे से देख लो, तो श्योरली आपको इसमें आउट ऑफ मार्क्स मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।